क्वेश्चन नंबर 21 इन टेकिंग इट टुगेदर डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम. Okay, so डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या लेना है. थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब पर्टिकुलर टेम्परेचर पर गैस का जितना काइनेटिक एनर्जी होगा उतना ही न्यूट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी होगा, उसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ न्यूट्रॉन. ओके, सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, देखिए इन थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ न्यूट्रॉन, इन थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ न्यूट्रॉन, यहां पे क्या हो जाएगा, इन थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ न्यूट्रॉन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस एनी गैस मॉलिक्यूल और काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इसको हम सेम लेते हैं. मतलब न्यूट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कितना ले लेंगे, जितना गैस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी रहता है उतना ही न्यूट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी लेते हैं, उसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ न्यूट्रॉन बोलते हैं. ठीक है, सो वंस अगेन देखिए थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ न्यूट्रॉन मतलब क्या है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर गैस मॉलिक्यूल का कितना काइनेटिक एनर्जी होगा उतना ही न्यूट्रॉन का भी काइनेटिक एनर्जी होगा. अभी काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल कितना रहता है, 3/2 kb × t रहता है, सो दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन रहेगा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. ठीक है, सो देयरफॉर डी ब्रॉय वेवलेंथ का हमें फॉर्मूला पता है. डी ब्रॉय वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या रहता है, h/√2m × kinetic energy रहता है, 2m ke. ओके, तो इसमें ये वैल्यू डालनी पड़ेगी, अभी लैम्बडा इज इक्वल टू h/√2m kinetic energy कितनी लेनी है, 3/2 kb t लेनी है. तो ये होता है h/√3m kb × t. अभी यहां पे h m kb ऑल आर कॉन्स्टेंट, सो t इज ओनली वेरिएबल, तो सभी वैल्यू यहां पे प्लेस करना पड़ेगा. h का वैल्यू 6.63 × 10⁻³⁴ है. ओके, डिवाइडेड बाय √3 × मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 × 10⁻²⁷ ले लेंगे. KB का वैल्यू 1.38 × 10⁻²³ होता है एंड कैपिटल T एज इट इज. अभी ये जो वेवलेंथ है वो किस में आ जाएगा, इट विल बी इन मीटर, मीटर में आ जाएगा. तो एंगस्ट्रॉम में कन्वर्जन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 10⁻⁰ से डिवाइड, 10⁻⁰ से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 10⁻⁰ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये वैल्यू एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा. तो 10⁻⁰ से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू क्या आता है, मीटर का जो वैल्यू है उसको 10⁻⁰ से मल्टीप्लाई करने पर एंगस्ट्रॉम में वैल्यू आ जाता है. तो ये कैलकुलेशन अभी हमें करना पड़ेगा. सो डायरेक्टली विल गेट इन टर्म्स ऑफ द टेम्परेचर. ओके, इसका कैलकुलेशन करता हूं मैं अभी. तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आंसर कितना आता है, 25.21 एंड √t एज इट इज रहेगा एंगस्ट्रॉम. ओके, सो ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है जो आप ध्यान में रख सकते हैं. ठीक है, सो डायरेक्टली ऐसा दिया जा सकता है, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर न्यूट्रॉन का डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ कितना लगेगा. सो ये एक फॉर्मूला आपको और एक मगअप करना है, शॉर्टकट फॉर्मूला ध्यान में रखना है, 25.21 डिवाइडेड बाय √ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर यहाँ पे लेना है और ये आंसर डायरेक्टली एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा. ओके, तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 द ग्राफ इज गिवन लाइक दिस. ओके, सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन photoelectric current on y-axis and
पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज फी ऑन दी एक्स एक्सिस. ओके, तो यहाँ पे करंट जीरो कब होता है, -3.2 होल्ड को जीरो होता है. तो इसका मतलब 3.2 होल्ड क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू 3.2 होल्ड है. ये तो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ समझ में आता है, करेक्ट है ना. सो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ एट -3.2 होल्ड द करंट इज गोइंग टू बिकम जीरो एंड देयरफॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 3.2 होल्ड. ठीक है, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितना बनेगा फिर, काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो बी इक्वल टू 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. काइनेटिक एनर्जी 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. अभी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वुड बी नियरली, अभी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन कितना बनेगा, अभी क्या करेंगे 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रहने के लिए फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए ये निकालेंगे. ओके, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन फॉर 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये निकालेंगे. वी नो दैट एनर्जी ऑफ फोटोन ई इज इक्वल टू एच इंटू न्यू रहता है. ठीक है, एनर्जी यहां पे ले लेंगे 3.2, मतलब फोटोन का एनर्जी डायरेक्टली मैं 3.2 लेता हूं और बेस्ड ऑन दैट आई एम गोइंग टू कैलकुलेट दी फ्रीक्वेंसी. सो 3.2 ये किस यूनिट में है, इट इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो जूल में 3.2 इंटू 1.6 इंटू 10^-19 इज इक्वल टू एच का वैल्यू 6.63 इंटू 10^-34 है इंटू न्यू. तो न्यू कितना आ जाएगा, दैट इज 3.2 इंटू 1.6 इंटू 10^-19 डिवाइडेड बाय 6.63 इंटू 10^-34. ओके, सो इसका कैलकुलेशन अभी कितना आएगा देखेंगे. टू पॉइंट फोर्टी वन इंटू टेन रेस टू फोर्टीन या फिर 0.241 इंटू 10^15 आ जाएगा ये. ठीक है, ना वैल्यू लगभग आ जाता है. जस्ट अ मिनट, सॉरी 0.241 नहीं है, सॉरी ये 7.72 है, सॉरी 7.72 इंटू 10^14 आता है. मतलब 0.772 इंटू 10^15. अभी एक्चुअली ये काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी है, मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी है तो इतनी एनर्जी फोटोन में रहेगी, लेकिन एक्चुअली क्या होना चाहिए, फोटोन में एनर्जी इससे बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो फोटोन का एनर्जी है उसमें से कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जाएगा और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगा. तो यहाँ पे इससे ज्यादा कौन सा ऑप्शन है, 0.775 से ज्यादा ऑप्शन, यहाँ पे 16, 17, 18 है. तो यहाँ पे ए बी एंड डी ऑल ऑप्शंस विल बी देयर, ए बी एंड डी थ्री ऑप्शन कैन बी करेक्ट. इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होना चाहिए. ओके, यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम दिया है वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन का दिया है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल पता है, मतलब हमें काइनेटिक एनर्जी पता है, लेकिन वर्क फंक्शन नहीं पता है. अगर वर्क फंक्शन नहीं पता है तो हम एनर्जी ऑफ फोटोन नहीं निकाल सकते या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन नहीं निकाल सकते. मतलब 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी फोटोन में अगर होनी चाहिए तो उसकी फ्रिक्वेंसी इतनी होनी चाहिए. तो वर्क मतलब इतने एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट किया और वर्क फंक्शन अगर जीरो है तभी इतना काइनेटिक एनर्जी आ सकता है. मतलब अगर वर्क फंक्शन कुछ है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा. ओके,
तो लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं दिया है. दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन. तो इसको कंप्लीटली हम सॉल्व नहीं कर सकते. सो दिस इज इसका एक ऑप्शन और होना चाहिए था, इनकम्प्लीट इनसफिशियंट इंफॉर्मेशन. ओके, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस, इनसफिशियंट इंफॉर्मेशन. ओके, क्योंकि ये जो हमने फ्रीक्वेंसी निकाली है, इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें चाहिए, इससे कम तो नहीं चलेगी.